हेलो फ्रेंड, इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। करने जा रही हूँ अपना रिव्यू जो कि है ब्लू हेवन फैशन लिपस्टिक के बारे में। फ्रेंड्स, ये बुलेट लिपस्टिक है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। इसकी क्वांटिटी 4 ग्राम है एंड इसका प्राइस 70 रुपीज़ है। ये आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी। प्राइस रेट वेरी करता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन कि आप कहाँ से इसको परचेज कर रहे हो। अगर आप इसको लोकल स्टोर से ले रहे हो तो ये आपको इजीली 70 रुपीज़ की मिल जाएगी। शॉपकीपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है तो आपको ये 60 रुपीज़ की भी पड़ जाएंगी। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं ये शायद आपको 150 या 170 रुपीज़ की पड़े। सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसको परचेज़ करें तो पहले आप अपने लोकल स्टोर में चेक कर लें। अगर आपको वहाँ पे मिल जाती है तो आप वहाँ से परचेज़ करें, आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। इनमें कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं मेंशन है जो कि मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। जब मैं ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम जो मैंने लिपस्टिक परचेज़ की थी वो ये दोनों हैं। इनको काफ़ी टाइम हो गया है मुझे परचेज़ किए हुए। अगर इसकी फिनिश की बात करें तो ये सेमी मैट फिनिश देता है, कंप्लीट मैट फिनिश नहीं देता है। स्टिंग पावर की बात करें फ्रेंड्स तो ये 4 to 5 hours आपके लिप्स पे बनी रहेगी। एंड जब ये फेड होने लगती है तो ये आपके लिप्स के क्रैक लाइंस में सेटल होने लगती है, जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसमें 10 to 12 शेड्स अवेलेबल है मार्केट में एंड मेरा शेड है 46 जो कि एक मैरून एक रेड कलर है, मैरून रेड कलर है। इसका मैं आपको हैंड स्वॉच दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। सेकंड शेड जो मेरा है वो है 66 एंड ये एक पिंकिश रेड टाइप का शेड है जो कि मैरून शेड हर स्किन टोन पे सूट करेगा, बट ये जो पिंक है ये पिंक कलर है ये ज़्यादा व्हाइटिश स्किन टोन पे अच्छा नहीं लगेगा, ये सिर्फ फेयर स्किन टोन वालों के लिए है। अगर इसकी पिगमेंटेशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये काफ़ी पिगमेंटेड लिपस्टिक है, एक ही बार में लिप्स में बहुत अच्छे इजली ग्लाइड हो जाती है और बहुत डार्क पिगमेंटेशन देती है। अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो ये आपको 1 to 2 times स्वाइप में पूरा लिप्स कवर कर लेगी। इसको अपने लिप्स पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिपस्टिक मेरी लगी हुई है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to put. फ्रेंड्स, मैंने पहले मेंशन किया था कि ये लिपस्टिक कंप्लीट मैट नहीं है। अगर आपको इसको मैट करना है तो आप इसको टिश्यू पेपर से ब्लॉट कर सकते हैं एंड ये कम्प्लीटली मैट हो जाएगी। अगर ट्रांसफ़र प्रूफ की बात करें तो ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, ईजिली आपके लिप्स से रिमूव हो जाती है। सकते ही कम्प्लीटली चली गई, बट थोड़ा सा लाइट सा टिंट रह गया है लिप्स पे। अगर रिकमेंड करने की बात करें तो ये लिपस्टिक मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जो ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ नहीं करते हैं एंड बहुत एक्सपेंसिव साइड नहीं जाना चाहते हैं, तो वो ये लिपस्टिक परचेज कर सकते हैं। ये कभी कभार के लिए परफेक्ट है, बट अगर इसकी शेड रेंज की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर सब लेडीज़ कलर हैं इसमें, मैरून एंड पिंक, कोई भी न्यूड शेड नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप श्योरली ट्राई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू ब्लू हेवन फैशन बुलेट लिपस्टिक के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।